बॉलीवुड के दो सुपरस्टार्स रहे दो सीनियर एक्टर्स पर क्या टेरर अटैक का खतरा मंडरा रहा है, वो भी सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे स्टार्स जिनके लाखों करोड़ों फैंस हैं। यस यू हर्ड इट राइट, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के बंगलोस के पास बॉम्ब प्लांट होने की खबर से रिसेंटली मच गया हड़कंप। पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई और जुहू में अलर्ट के बाद बॉम्ब स्क्वाड टीम को इमीडिएटली कॉल किया गया। तो क्या है बिग बी और धर्मेंद्र को लेकर बॉम्ब स्केयर के डिटेल्स, चलिए आपको बताते हैं। एक्चुअली ट्यूसडे को एक अनजान शख्स ने नागपुर पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके दावा किया कि बिग बी और धर्मेंद्र के बंगलोस के पास बॉम्ब प्लांट किए गए हैं। नागपुर पुलिस ने जैसे ही मुंबई पुलिस को ये अलर्ट किया, तुरंत बॉम्ब स्क्वाड टीम बिग बी और धर्मेंद्र के बंगलोस के लिए रवाना कर दी गई। हालांकि जांच में बॉम्ब प्लांट होने की बात गलत साबित हुई, लेकिन इस खबर के बाद बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। बॉम्ब स्क्वाड ने भले ही बॉम्ब प्लांट होने की बात को गलत बता दिया है, लेकिन मुंबई पुलिस इस मामले को काफी सीरियसली ले रही है। मामले की और भी जांच जारी है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एहतियात इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि बिग बी एवरी संडे अपने फैंस से मिलने बाहर आते हैं। दूर दूर से आने वाले बिग बी के कई फैंस अपने फेवरेट सुपरस्टार को देखने का ये मौका नहीं छोड़ते। बता दे कि जुहू की पॉश लोकेलिटी में अमिताभ बच्चन के जनक, जलसा, वत्सा और प्रतीक्षा जैसे 5 बंगलोज है। प्रतीक्षा के बाहर हजारों फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए हर संडे को खड़े नजर आ जाते हैं। वहीं जुहू में ही धर्मेंद्र का भी बंगलो है। खैर, बॉम्ब प्लांट होने की खबर के बाद मुंबई पुलिस ने अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। वहीं दोनों स्टार्स के फैंस मुंबई पुलिस से ये अपील करते दिख रहे हैं कि वो उनके फेवरेट स्टार्स के सामने आई इस डिफिकल्ट सिचुएशन को जल्द से जल्द कंट्रोल करें। Get a chance to feature on Zoom TV. हो जा Zoomify.